These retiring members from Lok Sabha, no, no, if they wish. Neeraj Shekhar, please. Neeraj Shekhar. धन्यवाद सभापति जी, आपके जो आपने जो हम लोग के बारे में बोला है, आपका जो वचन है वो हम लोग के लिए आशीर्वाद के समान है। मेरे लिए सौभाग्य का इस सदन में आना एक सौभाग्य की तरह था। राज्यसभा, उसके पहले मैं लोकसभा में था। ये 12-13 साल जो लोगों का आशीर्वाद मिला, जो यहाँ के नेताओं का आशीर्वाद मिला, उसके लिए मैं सभी का ऋणी रहूँगा हमेशा। मुझे आज भी याद है जब मैं बहुत छोटा था, 6-7 साल का, पिताजी के साथ मैं सेंट्रल हॉल में आता था और हम लोग राज्यसभा और लोकसभा में खेलते थे, क्योंकि तब सेशन में नहीं होता था तो इतनी सिक्योरिटी नहीं थी। तब से एक मन में एक लालसा थी कि आदमी सदन में आए जब बड़ा हो। पिताजी के बाद सौभाग्य मिला यहाँ आने का, और जब सदन में आए तो यही एक लक्ष्य था। एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा मैं। जब 2007 में चुनाव जीता, उसके बाद मैं बलिया से दिल्ली आ रहा था और मुगल सराय, अब जो आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से अब वो रेलवे स्टेशन है, वहाँ से मैं राजधानी ट्रेन पकड़ने वाला था। वो दृश्य आज मेरे जीवन में ऐसा छप गया है। मैं हम सब खड़े थे, मेरे साथ हमारे कई समर्थक थे, सहयोगी थे, सब लोग बड़े खुश थे। कुछ छोटे बच्चे रेलवे स्टेशन पे थे, प्लेटफॉर्म पे थे, और वो एक ट्रेन आई। तभी उस ट्रेन से जो उसका अटेंडेंट होता, उसने कुछ खाना बाहर रखा, तो सारे लड़के उसके तरफ दौड़ने लगे। उसमें से एक लड़का बोलता है, अरे रुक जाओ, अभी राजधानी आ रही है, उसमें अच्छा खाना मिलेगा। ये हम लोग को ये अवसर मिला है कि उन बच्चों का भविष्य हम बदल सके, ऐसा ना हो कि हमेशा यही होता रहे। और मुझे खुशी है कि थोड़ा बहुत जो भी मैं कंट्रीब्यूशन कर सका होगा इन 12 सालों में, अगर एक भी बच्चे का मैंने भविष्य बदला होगा तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात हो, और ये हम सब लोग का कर्तव्य है। लोग कहते हैं आप पार्लियामेंट में आके क्या करते हैं, अगर ऐसे हम लोग लेजिस्लेशन बनाएं, जैसे मेरे को लगता है जो नई शिक्षा नीति है, ऐसे अगर हम लोग लाएं जिससे बच्चों का भविष्य बदल सके, ये हम लोग का दायित्व है। और मुझे बहुत खुशी है कि हम लोग इसमें एक छोटा सा अंग भी बने तो बहुत बड़ा हम लोग के लिए सौभाग्य की बात होती है। मैं अंत में बस यही कहना चाहूँगा, मैं रोज भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूँ, अभी से नहीं, मुझे याद है मैंने पूजा करना शुरू 1975 में किया था अपनी माताजी के साथ, जब पिताजी जेल चले गए थे इमरजेंसी के समय में, तो बड़ा कठिन समय था, तो मैं भी पूजा करने लगा था, 7-8 साल का रहा हूँगा। और तब से लगातार मैं एक भावना है कि हमेशा एक चीज़ मैं रोज मांगता हूँ भगवान से कि मेरा देश स्वच्छ रहे, शिक्षित रहे और शक्तिशाली रहे, ये मेरी कामना है। जय हिंद। गॉड ब्लेस यू नीरज शेखर, विल बी रियली मिसिंग यू एंड ऑल द ऑनरेबल अदर ऑनरेबल मेंबर्स हु आर रिटायरिंग इन नवंबर।